बीना में ओवरब्रिज के पिलर के लिए खोदे गए गड्ढे में नहाते समय 3 बच्चों की डूबकर मौत हो जाने के मामले में पुलिस ने कंपनी के ठेकेदार एवं सुपरवाइजर पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। शास्त्री वार्ड में ओवरब्रिज के लिए खोदे गए गड्ढे में 3 नाबालिग उमेश पंथी, उसका भाई कान्हा पंथी एवं मुल्लू आदिवासी के शव अंडरब्रिज कैंपलर के लिए खोदे गए गड्ढे में तैरते हुए मिले थे। पुलिस ने मर्ग जांच एवं बयानों के आधार पर ओवरब्रिज पिलर निर्माण कार्य के दौरान अमर कंस्ट्रक्शन कंपनी के ठेकेदार नीरव भाई पटेल एवं सुपरवाइजर चंद्रकांत पटेल के द्वारा खोदे गए गड्ढे में सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए थे, जिस कारण लापरवाही के चलते 3 नाबालिगों की मौत हो गई, जिस पर पुलिस ने कंपनी के ठेकेदार नीरव भाई पटेल एवं चंद्रकांत पटेल के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। 29 तारीख को रेलवे का एक ओवरब्रिज बन रहा है, जो कि गुजरात की कमर कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो यहाँ निर्माण कार्य कर रही थी। तो जिस स्पॉट में पिलर बनाने का काम था, करीब 15-20 फीट गड्ढा था वहाँ पे, और बारिश की वजह से वहाँ पानी भर गया और इनके द्वारा कोई भी सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं रखे गए। वहीं पास के में 3 बच्चे खेल रहे थे, 3 बच्चे नाबालिग थे, वहाँ गिरने से 3 की डेथ हो गई। इसमें हमने जाँच में इनकी जमर कंस्ट्रक्शन है उनकी नेग्लिजेंसी लापरवाही पाई। हमने उसके जो ठेकेदार हैं कॉन्ट्रैक्टर नीरज पटेल और साथ में उनके जो सुपरवाइजर हैं चंद्रकांत पटेल, दोनों के खिलाफ नेग्लिजेंसी का मुकदमा दर्ज कर दिया है।